ये स्टोरी पहले इस फिल्म की थी, लेकिन अब रीशूट्स की वजह से फिल्म में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उसका आइडिया हमें थोड़ा बहुत लगता है ट्रेलर को देखने के बाद। लेकिन कंफर्मेशन ये नहीं है कि हमें इस फिल्म में शेप शिफ्टर यानी स्कल्स दिखाए जाएंगे या नहीं, क्योंकि इस ट्रेलर में हमें स्कल्स कहीं पर भी नजर नहीं आए सिवाय जेसिका क्रिस्टीन की कैरेक्टर के अलावा। पहले कहा यह जा रहा था कि वो इस फिल्म में स्कल्स क्वीन बनी हुई है, लेकिन अब उनका रोल इस फिल्म में क्या है उसकी किसी के पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पहले कहा यह भी गया था कि वो इस फिल्म में शायद रोल कर सकती है लिलेंड्रा का। खैर, तो अब इन सभी टॉपिक्स को साइड में रखकर आते हैं इस फिल्म के ट्रेलर पर, जो सिर्फ 2 मिनट और 8 सेकंड का है, लेकिन इस ट्रेलर में भी काफी सारी ऐसी डिटेल्स छुपी हुई है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है, क्योंकि हो सकता है कि हम जो भी बात करेंगे उसका असर फिल्म की स्टोरी पर पड़ सकता है, इसलिए स्पॉइलर वार्निंग देना लाजमी है। और अगर आप इसे बस एक थ्योरी पकड़कर चलो कि मैं जो भी चीज आपको बताऊंगा वो सिर्फ एक फैन थियरी है और ऐसा कुछ फिल्म में नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर, तो बात करें ट्रेलर के स्टार्ट की, तो ट्रेलर के स्टार्ट में हम देख सकते हैं यंग जीन ग्रेन को, जो खड़ी है एक्स मेंशन के बाहर, और यहाँ पर उसे मिलते हैं प्रोफेसर एक्स, और वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि प्रोफेसर चार्ल्स उसे ठीक कर सके। लेकिन प्रोफेसर उसे ये कहते हैं कि तुम टूटी नहीं हो जो मैं तुम्हें फिक्स करूं, तुम बिल्कुल ठीक हो। और डेफिनेटली ये सीन फिल्म के पास्ट का है, यानी एक्स मैन की टाइम लाइन में और ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि एक्स मैन द लास्ट स्टैंड फिल्म में भी हमने जेन का एक पास्ट देखा था, जहां पर पहली बार जेन से मिलने प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो गए थे। तो आप उसी टाइमलाइन के बाद की स्टोरी इसे समझिए कि अब जेन एक्स मैंशन पहुंच गई है और अब कैसे प्रोफेसर उसे ठीक करेंगे, ये सारी बातें हमें इस फिल्म में देखने मिलेगी। लेकिन इस सीन में अगर आप नोटिस करो तो एक्स मैंशन बिल्कुल ठीक ठाक है और इस टाइम का पीरियड 70 का है, लेकिन हमने एक्स मैन द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में एक्स मैंशन की हालत बहुत बुरी देखी थी, लेकिन उस फिल्म के एंड होने तक वुल्वरीन ने सब कुछ फिक्स कर दिया था, इसलिए अब एक्समैन की बाकी टाइमलाइन बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। वेल, तो इसके बाद हमें सुनाया जाता है एक सॉन्ग बैकग्राउंड में, और इस सॉन्ग का नाम है दी एंड, जिसे गाया था दी डोर्स बैंड ने, और इस सॉन्ग को रिलीज किया गया था 1967 में। तो इस गाने का मतलब अगर हम ऐसे पता लगाएं तो हो सकता है कि जेन इस फिल्म में कुछ बड़ा करने वाली है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉक्स की लास्ट फिल्म है इसलिए यहाँ पर इस सॉन्ग को रखा गया है। खैर, तो उसके बाद हमें नजर आती है सोफिया टर्नर, जिन्हें हम इसके पहले जेन का रोल करते हुए देख चुके हैं एक्समैन एपोक्लिप्स फिल्म में, और वो अब हमें एक बार फिर से जेन का रोल करती हुई नजर आ रही है डार्क फीनिक्स फिल्म में, क्योंकि इस फिल्म के टाइटल को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म पूरी तरीके से जेन के कैरेक्टर पर ही बेस है। और अब बढ़ते हैं अगले सीन पर, जहां पर हम देख सकते हैं कि जेन को किसी टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है और वहां पर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, और इस बात का अंदाजा हमें बीस्ट की शक्ल देखकर हो जाता है। और साथ ही साथ हमें यहां पर ये भी चीज पता चलती है कि जेन के पास्ट के बारे में जेन को कुछ भी नहीं पता है, यानी वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, और इन सब के पीछे जिम्मेदार है प्रोफेसर चार्ल्स, क्योंकि जेन की पावर इतनी ज्यादा है कि जेन खुद अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए प्रोफेसर के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था उसकी याददाश्त मिटाने के अलावा, क्योंकि उसने पास्ट में अपने माँ बाप को भी मारा या फिर मारने की कोशिश की होगी इस सीन में। और उस क्रैश से जेन कैसी बची होगी वो भी चीज हम इस सीन में देख सकते हैं, जहाँ पर वो कोशिश ये कर रही है कि कांच के टुकड़े उस पर ना आए। और फिर हम देख सकते हैं कि जेनिफर लॉरेंस का कैरेक्टर मिस्ट्रीक चार्ल्स से ये कहती है कि तुम्हें उससे सच नहीं छुपाना चाहिए था, और प्रोफेसर यहाँ पर ये बात भी कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया उसके भले के लिए किया। और गेस व्हाट, हम इस सीन में एक्समैन क्लासिक कॉस्ट्यूम भी देख सकते हैं, जिसे हम काफी सालों से एक्समैन की कॉमिक बुक में देखते आ रहे हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से बेस्ट गिफ्ट है एक्समैन फैंस के लिए। और उसके बाद बढ़ते हैं अगले सीन पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं एक आइलैंड, और इस आइलैंड पर और कोई नहीं बल्कि मैग्नेटो ही छुपा होगा, जो अपनी आम सी जिंदगी बिताने के लिए एक बार फिर से रेडी है, लेकिन बेचारे को कोई भी अपनी सिंपल लाइफ जीने नहीं देता। और अब इस आइलैंड पर पहुंच गई है जेन ग्रेन, और साथ ही साथ हम इसके बैकग्राउंड में कुछ हिंदी वर्ड्स भी नोटिस कर सकते हैं, जिसे काफी लोग ये कहेंगे कि शायद ये इंडिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंडियन प्लेस है। तो हो सकता है कि ये उस टाइम के हिप्पीज हो। तो जेन का यहाँ पर आना और मैग्नेटो से ये पता लगाना कि उसका पास्ट क्या था, और एक हिसाब से जेन मैग्नेटो का ग्रुप ज्वाइन करने आई है, और मुझे लगता है कि शायद जेन के पास्ट के बारे में मैग्नेटो को भी काफी कुछ पता है। तो अगर यहाँ पर बात करें हम एक्समैन द लास्ट स्टैंड फिल्म की, तो उस फिल्म में जेन की एज पास्ट वाली जेन से थोड़ी ज्यादा है, यानी एक और कंफ्यूजन। खैर, तो अब इस कंफ्यूजन को छोड़कर बढ़ते हैं दूसरे सीन पर, जहाँ पर हम शायद इस फिल्म की विलेन जेसिका क्रिस्टीन को देख सकते हैं, जो इस फिल्म में रोल कर रही है स्मिथ का। इसके अलावा और ज्यादा कोई भी डिटेल नहीं है इस कैरेक्टर के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी स्मिथ का कैरेक्टर एक मिस्ट्री है जो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर
सिमोन स्किनबर्ग ने ये कंफर्म नहीं किया है कि उनका इस फिल्म में रोल क्या है, सिवाय इसके कि वो एक ह्यूमन नहीं है। लेकिन अब बात करें इस ट्रेलर की, तो ट्रेलर में वो हमें जीन को भड़काती हुई नजर आती है कि वो अर्थ से बिलोंग नहीं करती। और अब बढ़ते हैं अगले सीन पर, जहां पर हम देख सकते हैं टेरी स्वेंडर की कैरेक्टर साइक्लॉप्स को, जो आगे चलकर जेन का लव इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि फिल्म के एंड में साइक्लॉप्स जेन का सेक्रीफाइस करेगा या नहीं। और उसके बाद हम देख सकते हैं अलेक्जेंड्रिया शिफ्ट को, जो इस फिल्म में एक बार फिर से हमें नजर आएगी स्टॉर्म का रोल करते हुए। और फिर हमें नजर आता है निकोलस का कैरेक्टर बीस्ट, जो इस पूरे ट्रेलर में काफी ज्यादा अपसेट है किस चीज से। हो सकता है शायद प्रोफेसर ने उसे जीन की वो बात नहीं बताई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्समैन का कोई खास और नोन मेंबर मर गया है इसलिए। जी हाँ, आप सभी को याद होगा कि इस फिल्म में एक मेजर कैरेक्टर मरने वाला है, तो यहाँ पर मेरी बैट लगी है क्विक सिल्वर पर, क्योंकि इस इमेज में हमें स्टॉर्म, नाइट लेवर, प्रोफेसर एक्स और बीस्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन क्विक सिल्वर नहीं। तो शायद इसके चांसेस है, और इसी रीजन की वजह से शायद बीस्ट एक्सपेंशन को छोड़कर मैग्नेटो की तरफ हो जाता है। और वो चीज हमें इस सीन में नजर आती है बिल्कुल साफ साफ कि अब मैग्नेटो की टीम अलग है और प्रोफेसर एक्स की टीम अलग। तो अब मैग्नेटो की टीम में बाकी जो दो और मेंबर्स हैं उसकी डिटेल मेरे पास फिलहाल तो अभी नहीं है कि वो दो म्यूटेंट्स कौन है। खैर, तो अब बढ़ते हैं आगे सीन पर, जहां पर हम सुन सकते हैं कि चार्ल्स ये कह रहे हैं मिस्टिक से कि जेन बदल रही है, यानी उस पर फियोनिक्स फोर्स अब ज्यादा हावी हो रही है, जिससे वो अपने पावर्स पर अब कंट्रोल नहीं रख पा रही। और अब बात करें मैग्नेटो के इस सीन की, तो यहां पर मैग्नेटो जेन से ये कहता है कि तुम यहां पर अपने आंसर्स ढूंढने नहीं बल्कि परमिशन लेने आई हो, तो शायद वो परमिशन अपने दोस्तों को मारने की है, जो हमें इस सीन में नजर आती है। वेल, ये बैटल मुझे लगता है काफी बेस्ट रहेगी, और इसी बैटल में एक म्यूटेंट मारा जाएगा जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक्समैन के काफी सारे कॉस्ट्यूम देख सकते हैं, वो भी क्लासिक वाले। और जो भी मेंबर्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं उन सभी के नाम है मिस्ट्रीक, स्ट्रॉम, नाइट क्लेवर, बीस्ट, साइक्लॉप्स, क्विक सिल्वर और प्रोफेसर एक्स। तो ये कॉस्ट्यूम हमने जो पिछली वाली एक्समैन एपोक्लिप्स फिल्म में देखी थी, वो कॉस्ट्यूम हमें इस पूरे ट्रेलर में नजर नहीं आए। और अगर आपने इस एरिया के बैकग्राउंड पर ध्यान दिया होगा, तो ये वही सीन है जहां पर हमने इसके पहले जेसिका क्रिस्टीन के कैरेक्टर स्मिथ को देखा था, यानी वो भी जेन के पीछे है किसी खास मकसद से। और जैसा कि हमें पता है, इस एरिया में पहले जेन रहती थी जब वो छोटी थी, और इस सीन में शायद मिलिट्री वाले एक्समेंशन पर हमला कर रहे हैं, शायद, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग मैग्नेटो को पकड़ रहे हैं। और ये चीज हमें इस इमेज में नजर आती है, और ये सीन तब का होगा जब जेन ने एक म्यूटेंट को मार दिया होगा, उसे यहाँ पर पछतावा हो रहा है। और अगले सीन में गेस व्हाट, म्यूटेंट स्पेस में है, क्योंकि हमने एक्समैन को आज तक स्पेस में नहीं देखा, और ये चीज पहली बार ट्राई की जा रही है एक्समैन के यूनिवर्स में। खैर, तो यहाँ पर ये लोग इसलिए आए हैं ताकि ये लोग स्पेस में हो रही गड़बड़ी को ठीक कर सके। अब कहा यह गया था कि यहाँ पर सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग इसे ठीक करने के लिए स्पेस में आते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें फियोनिक्स के सिग्नल मिल रहे थे और अब वो लोग उसे स्पेस में ही खत्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, वो चीज हमें इस सीन में नजर आती है कि जेन पूरी के पूरी फियोनिक्स पावर को खुद के अंदर ले लेती है, जिसके बाद इस फिल्म में गड़बड़ी शुरू।